आदि स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं एक्सेल के बहुत ही जबरदस्त फीचर फोरकास्ट के बारे में। फोरकास्ट क्या है? फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये रिकॉर्ड है सेल्स का, जिसमें मैंने मंथ्स दिए हुए हैं और सेल्स फॉर द मंथ दी हुई है, और यहाँ पर मैंने दो साल की सेल्स है, 2020 और 2021 की सेल दी हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सेल्स की बेस के ऊपर मैं प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ कि मेरी 2022 में क्या सेल होगी। तो एक्सेल मेरे लिए इसकी फोरकास्टिंग करेगा। फोरकास्टिंग के लिए मैं इस डेटा को सिलेक्ट करूंगा और फोरकास्ट शीट के ऊपर डेटा मेन्यू में फोरकास्ट शीट के कमांड के ऊपर क्लिक करूंगा। तो मेरे सामने आप देख रहे हैं कि 2020, 21 और जुलाई 2022 तक ये सेल आ रही है। फोरकास्ट की एंड डेट आपको दिखा रहा है। ये ऑप्शंस आप चेंज कर सकते हैं। आप ऑप्शंस में जाएंगे, फोरकास्ट की स्टार्ट डेट यहाँ से है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे जुलाई तक नहीं चाहिए, मुझे तो ये दिसंबर तक चाहिए। तो मैंने एंड डेट को चेंज कर दिया। सिमिलरली कॉन्फिडेंस इंटरवल 95%, ये स्टैटिस्टिकल वैल्यू है। डिटेक्ट सेंसनैलिटी, जैसे ही आप सेल्स लाइन को देख रहे हैं तो इसने ऑटोमेटिकली सेंसनैलिटी को डिटेक्ट किया। आप इसकी मैनुअल सेटिंग भी कर सकते हैं। फोरकास्ट की स्टैटिस्टिक्स साथ में ऐड हो, यानी कि स्टैटिस्टिकल टेबल हमें बना के दो या न दो, इसको चेक करें, बना के दे। टाइमिंग रेंज फोरकास्ट की, ये डेट हमारी टाइमिंग रेंज है, और वैल्यू रेंज, ये सेल्स हमारी वैल्यू रेंज है। फिल द मिसिंग पॉइंट्स, मिसिंग पॉइंट को हम कैसे, जीरो से या इंटरपोलेशन से। नॉर्मली स्टैटिस्टिक में इंटरपोलेशन का इस्तेमाल होता है, तो हम इंटरपोलेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो हमें सेल्स का क्या दिखाओ, सेल्स को काउंट करो, काउंट का वैल्यू आ गई। सेल्स का मैक्सिमम दिखाओ, सेल्स का मिनिमम दिखाओ, सेल्स का सम दिखाओ, सेल्स की एवरेज दिखाओ। तो मैं एवरेज सेल्स देखना चाहता हूँ। इसकी बेस पर मैं जैसे ही क्रिएट पर क्लिक करूंगा तो मेरे रिकॉर्ड के ऊपर फोरकास्टिंग क्रिएट हो चुकी है। ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये फोरकास्टिंग का चार्ट है, बहुत ही प्यारा सा चार्ट, जिसके साथ ये स्टैटिस्टिकल वैल्यू, इसकी अल्फा, इसकी बीटा, गैमा, ये तमाम वैल्यूज दे रहा है, जिसकी बेस पर इसने ये चार्ट कंस्ट्रक्ट किया। और यहाँ 2020 से 2022 दिसंबर तक इसने मुझे सेल्स प्रेडिक्ट कर लिए। सिमिलरली मेरा रिकॉर्ड सिर्फ बना हुआ था 2021 तक, यहाँ फरवरी 2022, मार्च 2022, अप टू दिसंबर 2022 तक इसने मेरी सेल्स को यहाँ पे शो किया कि ये पहले कांस्टेंट चलेगी और फिर इसमें बूस्टअप आएगा। ये मुझे दिखा रहा है कि मैं अपनी सेल्स के ऊपर कैसे प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि आने वाले साल में मेरी सेल्स कैसे होगी। डियर स्टूडेंट्स, इस बेस के ऊपर आप न सिर्फ सेल्स का रिकॉर्ड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बल्कि अगर आपकी एक इनकम स्टेटमेंट है, फॉर एग्जांपल आपने वन मंथ की इनकम कैलकुलेट की हुई है, दूसरे मंथ की कैलकुलेट की हुई है, आप अगले 10 मंथ्स की इनकम का फोरकास्टिंग लेना चाहते हैं, तो आप फोरकास्ट शीट की मदद से ये कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।